जब किडनी डैमेज होती है तो हमारा पीएच बैलेंस नहीं होता है, हमारा जो ब्लड होता है वो एसिडिक होता चला जाता है, जिस वजह से किडनी को और ज्यादा डैमेज होता है और इसी कंडीशन को कहा जाता है किडनी के क्रिएटिनिन को घर बैठे करने के चार तरीके आपको बताएंगे आज इस वीडियो में, 4 ways to reduce creatinine at home। जी हाँ, घर बैठे इन चार तरीकों को अपनाकर आप क्रिएटिनिन लेवल को रिड्यूस कर सकते हैं। बहुत डिटेल में इस वीडियो में आज बात करेंगे उन चार तरीकों के बारे में जो आप घर में ही कर सकते हैं और घर बैठे ही कर सकते हैं, और साथ साथ उसी से आपका क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, सभी चीजें, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग, KFT की स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। तो बात करेंगे, नंबर वन तरीका है जो सभी घरों में उपलब्ध होता है वो है बेकिंग सोडा, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट के जनरली जो जिस नाम से जानते हैं वो है बेकिंग सोडा। किडनी जो होती है वो हमारे शरीर में बहुत सारे काम करती है, जैसे यूरिन फॉर्मेशन का करना, यानी कि यूरिन का जो प्रोसेस होता है बनने का वो किडनी उसमें सहायक होती है, वो किडनी ही करती है। उसी तरीके से टॉक्सिन्स को शरीर से निकालना, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करना, और प्रोटीन को बनाए रखना, ये भी किडनी का ही काम होता है। बॉडी के, शरीर के पीएच को बैलेंस करना, ये भी किडनी का बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। यानी कि जब किडनी डैमेज होती है तो हमारा पीएच बैलेंस नहीं होता है, जी हाँ, और हमारा जो ब्लड होता है वो एसिडिक होता चला जाता है, यानी कि जो किडनी है वो एसिड को प्रॉपर बाहर नहीं कर पाती है और ब्लड जो है वो बारी बारी किडनी में एसिडिक होता चला जाता है, क्योंकि एसिड ब्लड में मिलता चला जाता है और किडनी उस एसिड को फिल्टर करने में समर्थ नहीं होती है, जिस वजह से किडनी को और ज़्यादा डैमेज होता है और इसी कंडीशन को कहा जाता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सही सुना आपने, बहुत गंभीर स्थिति है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इस स्थिति में एसिड किडनी से बाहर ना होने के कारण दोबारा से वो एसिड किडनी को डैमेज कर रहा होता है, और दोबारा ही वो किडनी दो तरीके से डैमेज हो रही है, एक तो एसिड बाहर नहीं कर पा रही और वही वाला एसिड बारी बारी किडनी को डैमेज कर रहा है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस एक गंभीर समस्या है। इस कंडीशन को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, सोडा भी कहते हैं इसको, इसको कितनी मात्रा में लेना है वो डिपेंड करता है कि हमारी उस समय परिस्थिति कैसी है, हमारी कंडीशन कैसी है। तो ये बेकिंग सोडा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो हर घर में उपलब्ध है, सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, जो हम यूज कर सकते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस जैसी गंभीर सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए, जो किडनी पेशेंट्स में बहुत कॉमनली देखी जाती है। दूसरा प्रोसेस जो है जो हम घर बैठे कर सकते हैं जिस तरीके से क्रिएटिनिन लेवल को कम, वो है लीचिंग प्रोसेस। जी हाँ, लीचिंग प्रोसेस। आप सभी को पता है जब किडनी डैमेज होती है तो किडनी के सारे फंक्शन भी डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, यूरिक एसिड, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसिंग, ये सब जो है वो डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है इन सभी में। तो लीचिंग प्रोसेस जो है वो इस प्रकार का प्रोसेस है कि जितनी भी सब्जियों का हम खाते हैं, हम बनाते हैं, उनको 4 से 5 घंटे तक उनको काट कर पानी में रखना है, पानी में उनको भिगो के रखना है, उनको सोक करके रखना है वाटर में, हो सके तो थोड़े गुनगुने पानी में सब्जी को काट कर 5 घंटे तक भिगोने से 70-75% पोटेशियम जो है वो रिमूव हो जाता है सब्जी के साथ। हम सभी को पता है कि CKD यानी कि किडनी की समस्या में पोटेशियम का सेवन हमें कम से कम करना है, तो लीचिंग प्रोसेस के थ्रू जो सब्जियां हमारे हम खा रहे हैं उन सभी में पोटेशियम जाता है, तो उस पोटेशियम को कम करने का सबसे आसान, सबसे सरल तरीका है लीचिंग प्रोसेस। सब्जी को काटा और 4 से 5 घंटे तक उसे गर्म पानी में भिगो के रखा और फिर उसको बनाना शुरू किया। इस प्रोसेस को करने से ना केवल पोटेशियम बल्कि इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, सोडियम और कई प्रकार के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे शरीर को नुकसान देंगे, हमारी किडनी को नुकसान देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ किडनी ने फिल्टर करना है, वो सब भी बहुत अच्छे से कंट्रोल होगा। तो ये आप ऐसा प्रोसेस है जो अभी से आप शुरू कर दीजिए, बेशक आप किडनी पेशेंट ना भी हों तब भी ये बहुत आसान है और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की जिस टाइम पे हम जीवन जी रहे हैं, हमारे आसपास एयर पोल्यूशन और
सॉयल पोल्यूशन इतना ज्यादा हो चुका है कि हम जो भी खा रहे हैं वो सब एडल्ट्रेटेड जा रहा है। वो सब सबका सब फायदा तो करे या कितना करेगा वो बात की बात है, लेकिन नुकसान करने की संभावना भी बहुत अधिक है, क्योंकि जितना भी पोल्यूटेड चीजें हम खा रहे हैं हमारे आसपास वो पोल्यूशन हमारे पास अलग अलग तरीकों से जा रहा है। तो लीचिंग प्रोसेस के थ्रू उस पोल्यूशन को हम मात दे देंगे और शरीर के जो सेल्स हैं वो हमारे अच्छी अवस्था में जीवित रहेंगे। तीसरा प्रोसेस है हीमोग्लोबिन को मेंटेन करना। जी हाँ, हीमोग्लोबिन जो है हमारे सीकेडी में किडनी पेशेंट्स में जनरली 8 से 11 के बीच में मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। किडनी डैमेज होती चली जाती है, जैसा कि हम सभी को पता है कि सीकेडी एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, ग्रेजुअली बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे किडनी डैमेज होती है, क्रोनिक किडनी डिजीज बढ़ता है, वैसे वैसे हीमोग्लोबिन जो है वो कम होने लग जाता है। हीमोग्लोबिन की हमारे बॉडी में जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है और उसको हम टेस्ट करा के भी देख सकते हैं हीमोग्लोबिन के। उसके साथ साथ बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी इम्बैलेंस होने लग जाता है, जिस वजह से ब्रेथलेसनेस, पैल्पिटेशन होना, लेथार्जिक फील होना, बॉडी में ओडेमा होना, इस प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सांस लेने में तकलीफ होती है, थकावट बनी रहती है, सूजन आने लग जाती है शरीर में। इन सभी चीजों को डाइट के द्वारा बैलेंस करना संभव है। हीमोग्लोबिन को भी डाइट के द्वारा काफी हद तक बैलेंस किया जा सकता है। तो डाइट का बहुत अधिक महत्वपूर्ण रोल है। आप हमारे यहाँ पे कॉल करके हमारे डॉक्टर्स के द्वारा जो डाइट दी जा सकती है ले सकते हैं और घर बैठे उसको आप फॉलो कर सकते हैं, उसका कोई हमारे यहाँ पे शुल्क नहीं है। चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रिटेंशन या होल्डिंग ऑफ यूरिन को अवॉइड करना, यानी कि अवॉइड रिटेंशन और होल्डिंग ऑफ द यूरिन। आयुर्वेद में कहा भी गया है जो हमारे वेग हैं चाहे वो कोई भी वेग हो, उनको होल्ड लंबे समय तक करने से शरीर को नुकसान होता है। अगर हम यूरिन को बहुत ज्यादा समय तक होल्ड करेंगे तो किडनी को नुकसान होगा। तो किडनी को हेल्दी बनाए रखने के लिए जरूरी है, हेल्दी अवस्था में रखने के लिए जरूरी है कि जैसे ही यूरिन का प्रेशर आए तभी यूरिनेट कर लिया जाए। बहुत सी बार हम ऐसी अवस्था में होते हैं कि हम कभी नहीं जा सकते। कई एक बारी मेरे पास एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति आए और वो बहुत एक नामी बाबा हैं, उनको बहुत लंबे लंबे लेक्चर देने होते थे, 10-10, 12-12 घंटे के उनके लेक्चर्स होते थे, तो उनको उतने समय तक यूरिन होल्ड करना पड़ता था और यही क्रिया उन्होंने लंबे समय तक की। तो जब वो मेरे पास आए तो उनको भी पता था उनकी किडनी डैमेज होने का कारण और मुझे भी पता था। तो हमें ये बहुत ज्यादा जरूरी देखना है कि हमें बहुत लंबे समय तक यूरिन को होल्ड नहीं करना है, क्योंकि ज्यादा एसिड बनता है बॉडी में। और उसके साथ साथ हमें ये ध्यान रखना है कि जो एसिड होगा ये किडनी को फिर जलाना शुरू कर देगा। यूरिन को हमें टाइमली बाहर निकालने से यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की होने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है और किडनी के डैमेज होने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। तो यूरिन के अलावा जितने भी वेग हैं हमारे, चाहे वो स्टूल का वेग हो या कभी वॉमिटिंग का वेग हो या किसी भी प्रकार का वेग हो, आधारणीय वेग के रूप में हमें बताया गया, यानी कि लंबे समय तक जिनको धारण नहीं करना चाहिए। आधारणीय वेगों में से एक वेग है हमारा मूत्र वेग, यानी कि हमें यूरिन को लंबे समय तक होल्ड करने से हमारी बॉडी को नुकसान देते हैं, नुकसान होता है और बहुत सी बार यूरिन बैक फ्लो करके भी किडनी को नुकसान देता है। तो हम कितने भी व्यस्त हों, कितने भी हम ऑक्यूपाइड हों, हमें मेक श्योर करना है कि यूरिन जो है वो हम जब आए प्रेशर तो उसको हम टाइमली पास आउट करें और हम अपने वेग को धारण ना करें। तो ये चार तरीके हैं जो हम घर बैठे भी आप फॉलो कर सकते हैं। नंबर वन बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट का। नंबर टू जो था वो लीचिंग प्रोसेस। नंबर थ्री हीमोग्लोबिन को मेंटेन करना। और नंबर फोर रिटेंशन ऑफ यूरिन ना करना, अपने यूरिन को हमें लंबे समय तक रिटेन नहीं करना है। ये चार प्रोसेस सभी लोग फॉलो कर सकते हैं जो किडनी के पेशेंट्स हैं। इससे काफ़ी हद तक घर बैठे आपको क्रिएटिनिन लेवल को रिड्यूस करने में हेल्प मिलेगी, सहायता मिलेगी। साथ ही साथ आपको बता दें कर्मा आयुर्वेदा ये सिद्ध कर चुका है, एक नहीं सैकड़ों नहीं हजारों पेशेंट की संख्या में हमारे पास पेशेंट है जिनको बहुत अधिक लाभ हुआ है और जिनका क्रिएटिनिन लेवल कम हुआ है, यूरिया कम हुआ है और सभी चीज़ों में उनको बहुत अधिक फायदा मिला है। अब हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जाके देख किसी भी प्रकार पेशेंट हो तो जरूरी नहीं है आपको हमारे सकते हैं, मेडिसिन भी जान सकते हैं चाहें तो आवश्यकता उसके लिए आप यहाँ पर आकर हमारे क्लिनिक दिल्ली में, मुंबई में, लखनऊ, पटना में, सिटीज में मिलकर उनसे परामर्श लेके और मेन ट्रीटमेंट होता है और बहुत से पेशेंट जो है हमारे पास किडनी के लिए आते हैं।
डायलिसिस गया है या इसकी इसी प्रकार की किसी भी प्रकार की समस्या है, तो हमारे दिए हुए नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल करके हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं और उस समस्या का समाधान आप पा सकते हैं। नमस्कार।